नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एयरटेल डिजिटल टीवी के बारे में, जिस पे एक जीएससी कैटेगरी का चैनल रिमूव होने जा रहा है बहुत जल्द। बताएंगे इस चैनल के बारे में सारी जानकारियां विस्तार से, और साथ ही साथ आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाटा प्ले डीटीएच के बारे में, जिस पर एक नया टेस्ट स्लॉट्स ऐड किया गया है, और क्या इस टेस्ट स्लॉट्स की फ्रीक्वेंसी रहने वाली है, देंगे सारी जानकारी विस्तार से। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को और पे प्रेस कीजिए, ताकि हमारी ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वहां फिर डिस यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपके साथ इरफान। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल वहाफरडीज 2 को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी लेटेस्ट मूवी एंड लेटेस्ट शो की जानकारी आपको मिले सबसे पहले, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, बात करेंगे सबसे पहले टाटा प्ले डीटीएच के बारे में, जिसपे एक नया टेस्ट स्लॉट्स ऐड किया गया है। जी हाँ, जिसपे एक नया टेस्ट स्लॉट्स ऐड किया गया है, और टेस्ट स्लॉट्स रहने वाला है 4501। जी हाँ, 4501, ये एक नया टेस्ट स्लॉट्स ऐड किया गया है टाटा प्ले डीटीएच पर, और इस टेस्ट स्लॉट पर आपको बहुत जल्द एक नया टीवी चैनल देखने के लिए मिलेगा। और वहीं बात करें इस टेस्ट स्लॉट्स की फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें 12040 वर्टिकल, 34280। जी हाँ, 12040 वर्टिकल, 34280, ये इसकी फ्रीक्वेंसी रहने वाली है। और फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की वीडियो के सेकंड टॉपिक की ओर। जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि एयरटेल डिजिटल टीवी से एक जीएससी कैटेगरी का चैनल रिमूव होने जा रहा है, तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें ये चैनल 6 अक्टूबर 2023 से आपको एयरटेल डिजिटल टीवी पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। और वहीं बात करें एयरटेल डिजिटल टीवी पर, इसका चैनल नंबर था 143, यानी 143 नंबर पर अभी आप इस चैनल को देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें इस चैनल का नाम क्या रहने वाला है, तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें इस चैनल का नाम रहेगा अतरंगी टीवी। जी हाँ, अतरंगी टीवी कुछ ही समय पहले सभी डीटीएच एंड केबल ऑपरेटर्स पर दोबारा से वापसी की थी, जो कि आप सब जानते ही हैं कि अतरंगी टीवी एक बार पहले भी सभी डीटीएच एंड केबल ऑपरेटर से रिमूव हो चुका है। लेकिन अब फिर से इस चैनल ने सभी डीटीएच एंड केबल ऑपरेटर्स पर वापसी की थी। लेकिन ऐसे में एक और बुरी खबर निकल के आई है, जो कि एयरटेल डिजिटल टीवी से निकल के आ रही है, कि अतरंगी टीवी 6 अक्टूबर 2023 से एयरटेल डिजिटल टीवी के प्लेटफॉर्म पर आप सबको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी दो डीटीएच से जुड़ी जानकारी जो कि आज की वीडियो में हमने आपको दी। आपको ये जानकारी कैसे लगी, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।